गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जैसे कि आज के वीडियो का टॉपिक है यूपीआई और यूपीआई के रिलेटेड टर्म, जैसे कि यूपीआई आईडी एंड यूपीआई पिन क्या है। ओके, तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, यूपीआई उसका पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, उसको थोड़ा मैं आसानी से बताता हूँ, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, तो यूनिफाइड यानी क्या? यूनिफॉर्म, आपने स्कूल का यूनिफॉर्म देखा होगा, सबका एक जैसा रहता है। ओके, यानी यूनिफाइड यानी एक जैसा। पेमेंट यानी पेमेंट करना, ओके, पैसा देना। इंटरफेस, इंटरफेस यानी दो बॉडी है, दो बॉडी। ओके, दो बॉडी का एक जगह पे मिलन, यानी इसको विंडो भी बोल सकते हैं। जैसे कि दो व्यक्ति है, वो आपस में बात करेंगे, बीच में दीवार है, तो अगर विंडो होगा बीच में तो ही वो बात कर सकेंगे, तो उस केस में वो विंडो उनके लिए इंटरफेस हो जाएगा। ओके, यानी सबके लिए एक समान पेमेंट का एक विंडो। ओके, तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा थोड़ा बहुत। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो छोड़ते हैं अभी यूपीआई में टर्म आता है यूपीआई आईडी एंड यूपीआई पिन। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यूपीआई आईडी का यूज़ क्या है? ओके, वो पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी आपको किसी को पैसा देना है, ओके, तो आपने देखा होगा कि आपको पैसा देना है तो आप IMPS, NEFT या RTGS करते हैं। ओके, अभी IMPS, NEFT, RTGS के लिए क्या चाहिए होगा आपको? सामने वाले का नेम, अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड। ओके, तो UPI ID में भी ऐसा ही है। UPI ID यानी सामने वाले का जो UPI ID रहेगा या आपका UPI ID रहेगा, वो कॉम्बिनेशन ऑफ क्या रहेगा कि आपका नेम, बैंक अकाउंट नंबर और आपका IFSC कोड, ये तीन चीज़ें आपके UPI ID में आ जाएगी। यानी आपको सामने वाले को खाली अपना UPI ID ही देना होगा। ओके, जैसे कि आपको पैसा भेजना है सामने वाले को, तो आपको क्या करना होगा? सिंपल उसका UPI ID लेना होगा। ओके, और आपको पैसा लेना है तो सामने वाले को आपका UPI ID देना होगा। ओके, यानी भेजना है तो सामने वाले का ID लेना होगा और लेना है तो सामने वाले को अपना ID देना होगा। ओके, यानी वो UPI ID आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका नेम एंड आपका IFSC कोड UPI ID में आ जाएगा। ओके, तो ये तो फ्रेंड्स UPI ID हो गया। ओके, यानी पैसा भेजना है या पैसा लेना है तो वो आपको देना होगा, उनको अपना ये इन्फॉर्मेशन यानी ID देना होगा। एंड दूसरा आता है UPI पिन। ओके, पिन आपने देखा होगा कि ATM का पिन आता है, अभी आप मोबाइल बैंकिंग चलाते हैं तो मोबाइल बैंकिंग का पिन आता है, उसको बोलते हैं MPIN। एंड दूसरा आता है UPI पिन। ओके, तो जैसे कि आपका बैंक अकाउंट है, HDFC में आपका बैंक अकाउंट है। ओके, तो बैंक अकाउंट है यानी आपका अकाउंट नंबर होगा, आपका नेम होगा, आपके पास ATM कार्ड होगा। ओके, और उसका ATM का पिन भी होगा, यानी इतनी चीज़ें आपके पास होगी। और फ्रेंड्स दूसरा कि UPI पिन बनाने के लिए ये चीज़ें खास ज़रूरी है, जैसे कि आपका आपके पास ATM पिन होना चाहिए और रजिस्टर मोबाइल यानी आपने HDFC बैंक में जो मोबाइल नंबर दिया रहेगा वो मोबाइल आपके पास होना चाहिए। ओके, तो वहाँ पे आप UPI पिन बना सकते हैं। जैसे कि पैसा भेजना है तो सामने वाले का UPI ID चाहिए और
आपका ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेट करने के लिए UPI पिन चाहिए। ओके, तो एक फ्रेंड्स एक चीज़ यहाँ पे देखी जाती है कि पैसा भेजना है तो सामने वाले का UPI ID शेयर करना है, यानी पैसा भेजना है या पैसा लेना है तो एक दूसरे से UPI ID शेयर करना है। पर UPI पिन तो अपने को ऑथेंटिकेट करने के लिए चाहिए, यानी वो शेयर नहीं करना है। ओके, यानी UPI पिन सीक्रेट है, जैसे कि आपका ATM पिन रहता है या मोबाइल बैंकिंग का पिन रहता है, वैसे ही आपका UPI पिन होगा और वो सीक्रेट रखना है आपको। यानी आप UPI ट्रांजेक्शन करते हैं तो फाइनली वहाँ पे ऑथेंटिकेट करने के लिए UPI पिन आपको डालना पड़ेगा। ओके, और ये UPI उसको बोलते हैं वर्चुअल पेमेंट इंटरफेस। वर्चुअल यानी जो दिखता नहीं, पर पेमेंट वहाँ पे होता है। ओके, तो UPI पिन 4 डिजिट का या 6 डिजिट का हो सकता है। ओके, और उसको बनाने के लिए पहले तो आपका बैंक अकाउंट चाहिए, उसके बाद ATM कार्ड चाहिए और ATM का पिन, उसके बाद आप एम पिन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स वो कैसे बनाते हैं वो मैं दूसरे वीडियो में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो UPI ID तो आपको पता चल गया होगा कि UPI ID जो आपका बैंक अकाउंट है उसका कितना भी UPI ID हो सकता है, पर वो बैंक अकाउंट का UPI पिन एक ही होगा। ओके, यानी एक बैंक अकाउंट का मल्टीपल UPI ID होता है पर उसका UPI पिन एक ही रहेगा, और वो कहीं पे भी कोई भी इंटरफेस में, यानी कोई भी ऐसे पेमेंट ऐप में आप वो एम पिन यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई होप के ये थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स ऐसा मैं गूगल पे में वो कैसे यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली। ओके, गूगल पे फ़ोन पे पेटीएम में कैसे प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वो आप देखिए। यानी ये वीडियो से आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिला होगा, वो प्रैक्टिकल करने से काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसा मैं दूसरा वीडियो बनाता हूँ, ऐसा दूसरा वीडियो बनाया है वो आप देखिए, ये वीडियो देखने के बाद तो आपको अच्छे से वो पता चल जाएगा। ओके, कि उसमें आप UPI ID कैसे बनाएं, पेमेंट कैसे करें, पेमेंट रिसीव कैसे करें, और आपका UPI पिन कैसे बनाएं, और आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस कैसे चेक करें, ये सब वो मैं उस वीडियो में बताता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बने रहिए, देखते रहिए, कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।